जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे। आप सभी का जम्बू टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ नीतीश गोयल, और आज पूर्व संध्या है उस एक नववर्ष की जिसे संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक वैज्ञानिक माना जाता है, और उसके साथ ही ये पूर्व संध्या है उस महापुरुष के जन्मदिन की जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन खड़ा किया। एक ऐसा संगठन जो सरकारी अनुदान पर नहीं चलता, ऐसा संगठन जो व्यापारियों के भरोसे नहीं चलता, एक ऐसा संगठन जो केवल 5 लड़कों के साथ में कबड्डी के मैदान में शुरू किया गया, एक ऐसा संगठन जिसे विश्व में सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन की संज्ञा प्राप्त होती है, एक ऐसा संगठन जिसमें रजिस्ट्रेशन करके कोई नहीं आता, केवल एक ध्वज के सामने जब प्रणाम करता है तभी से वो स्वयं सेवक हो जाता है। ऐसे संगठन की आधारशिला जिस व्यक्ति ने रखी उनका नाम है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रथम आद्य सरसंघचालक कहा जाता है। चंद्र शुक्र पते बताया, यानी कि जब से भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है यही वो दिन है जब डॉक्टर हेडगेवार का भी जन्म हुआ था, तो उन्हीं के ऊपर ये कार्यक्रम आज का हमने बनाया है। भारतीय राष्ट्रीयता के पोषण में डॉक्टर हेडगेवार और संघ की भूमिका, और इसके विषय के लिए अध्येता के रूप में जो हमारे साथ है उनका परिचय आपसे करा। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि ये जम्बू टॉक्स है, जम्बू थॉट्स है, इस विचार को अपनाइए, इस विचार को अपनाने में हमारा सहयोग कीजिए। अगर आप पहले से कभी इस चैनल पर आए तो मैं मान के चलता हूँ आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यथासंभव यथेच्छा यथाशक्ति हम लोगों के लिए मतलब पुष्पमर्पित करते रहे। आप चाहें तो अपना योगदान सुपर चैट के या सुपर स्टिकर के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं, वो योगदान आपके प्रश्नों के रूप में भी हो सकता है। आइए स्वागत करता हूं मैं हमारे आज के जो कार्यक्रम में पधारे हुए हैं हमारे वक्ता प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। वहां लाइट गई हुई है भोपाल में, लेकिन उनकी आवाज पूरी पूरी तरीके से आएगी। संघ के बारे में, विश्व में सांस्कृतिक शक्तियों के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में बोलने के लिए तो बहुत कम लोग हमें पूरे भारत में दिखाई देंगे, उनमें से एक व्यक्तित्व है प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन जी। नमस्कार, नमस्कार जी गुरु जी। आप शुरू करें? जी बिल्कुल जी। नमस्कार, जम्बू टॉक्स के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, और नीतीश जी का अभिनंदन कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण विषय रखा। मित्रों, कल से नया संवत्सर शुरू होगा और वर्ष प्रतिपदा ही परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्मदिन है। अंग्रेजी तिथि के अनुसार वो 1 अप्रैल था, लेकिन उस वर्ष वर्ष प्रतिपदा थी, तो भारतीय तिथि के अनुसार वर्ष प्रतिपदा ही उनका जन्मदिन है। इसको ठीक से समझना आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना उन्होंने किन परिस्थितियों में किस प्रकार की, संक्षेप में आज हम चर्चा करेंगे। और जो भारत की राष्ट्रीयता है उसके पोषण में डॉक्टर हेडगेवार की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका रही, इसको अगर हम देखें तो हमें, वैसे तो कल सारे देश में संघ की शाखाओं में परम पूजनीय आद्य सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी के विषय में चर्चा होगी ही, तो करोड़ों लोग उस विषय में पहले से भी जानते हैं और फिर नए सिरे से जानेंगे। संघ के स्वयंसेवक और संघ के अधिकारीगण उसकी चर्चा करके उसका विस्तार करेंगे, लेकिन हम आज के विषय के प्रयोजन की दृष्टि से संक्षेप में उसका स्मरण कर लेते हैं। मित्रों, 1889 में 1 अप्रैल को यानी वर्ष प्रतिपदा में परम पूजनीय डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म हुआ था। तब वो केशव नाम था, जाहिर है बच्चों का जैसा नाम होता है, और वो आंध्र से आए हुए और नागपुर में रहने वाले एक देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार में उन्होंने जन्म लिया। मराठी भाषी पूर्वज रहे होंगे, लेकिन उनके तत्काल जो पूर्वज हैं वो आंध्र से नागपुर आए थे, तेलुगु भाषी थे। संयोग ये है कि बहुत ही कम आयु में, जब वो 12 वर्ष के थे तभी उनके माता और पिता दोनों, उस समय जो प्लेग फैला था जो कि वस्तुतः अंग्रेजी सरकार की दुर्नीति का परिणाम था, ये सभी लोग अब जानते हैं, विश्व के सारे इतिहासकार इस तथ्य को जानते हैं, तो माता पिता दोनों का देहांत हो गया। लेकिन उस समय का समाज अभी से भिन्न था, अभी भी अपने समाज में एक से एक
सुसंस्कृत और करुणामय और समाज रक्षक लोग विद्यमान हैं, उस समय और अधिक थे। तो उस समय कांग्रेस के भी और हिंदू महासभा के भी एक बहुत बड़े नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे डॉक्टर मुंजे। तो बहुत बड़े नेता थे वो डॉक्टर मुंजे और लोकमान्य तिलक के अनुयायी माने जाते थे। गांधी जी ने भी उनका कई बार उल्लेख किया है आदर के साथ। और पहले जो उस समय की कांग्रेस थी वो हिंदू महासभा का अधिवेशन भी कांग्रेस के पंडाल में ही होता था और बहुत सारे नेता कांग्रेस में थे और हिंदू महासभा में थे। बाद में गांधी जी की नीतियों के कारण हिंदू महासभा के नेताओं को कांग्रेस से अलग होना पड़ा, क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के संकेत पर खलीफत की रक्षा के लिए एक आंदोलन शुरू कर दिया और उसका नाम तो यहाँ सत्याग्रह दिया। बाकी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्येता हैं वो जानते हैं कि गांधी जी अंग्रेजों के बहुत ही विश्वस्त मित्र थे और बड़े महत्वाकांक्षी थे, और उन्होंने प्रारंभ से ही अंग्रेजों के साथ मित्रता करके अपनी राजनीति में प्रवेश किया। तो अंग्रेजों ने संपूर्ण तुर्की और अरब क्षेत्र में बहुत ही छलपूर्ण, जैसा अंग्रेजी अंग्रेजों की तो एक ही शक्ति है छल, बहुत बड़ा अंग्रेज राजनीतिज्ञों की, अंग्रेजों में एक से एक धर्मज्ञ श्रेष्ठ सुसंस्कृत सत्यनिष्ठ सदाचारी लोग भी हुए हैं। लेकिन अंग्रेजी राजनीति उस समय की जो थी, अब आज की हमें पता नहीं उतना विस्तार से, वो बहुत अधिक छलपूर्ण थी। तो उन्होंने एक और तो आधुनिक शिक्षा का प्रचार किया, जिसके कारण तुर्की में जो कमाल पाशा आदि लोग राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में सामने आए और उन्होंने खलीफत का विरोध किया, और दूसरी ओर उनको लगा कि मुसलमानों में परस्पर कलह पैदा करना चाहिए, तो उन्होंने कोशिश की कि जगह जगह खलीफत के पक्ष में आंदोलन हो ताकि इसी में लोग उलझ जाएं। ये बड़ी पुरानी चाल थी। तो गांधी जी से कहा गया कि तुम भी खलीफत के सवाल पर मुसलमानों को एकजुट करो, और गांधी जी ने वो काम किया। अब तो ये स्पष्ट है कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत एक खेल था। तो जब खलीफत का आंदोलन गांधी जी ने चलवाया और उसमें हिंदुओं को भी लगा दिया, तो अंग्रेज बड़े खुश हुए, ये तो अच्छा फंस गए मूर्ख लोग, आपस में ही लड़ेंगे। और फिर कमाल पाशा वहां आए तो उन्होंने खलीफत का सवाल ठुकरा दिया, चूंकि खलीफत ही खत्म कर दी। खलीफत बीच बीच में भी कई बार खत्म होती रही थी, उसके पहले भी एक साथ 20-20 लोग 10-10 लोग अलग अलग समय पर अपने को खलीफा कहते रहे। खलीफा कोई सर्वसम्मत धारणा शब्द के रूप में तो इस्लाम में है, लेकिन व्यवहार में कभी कोई एक खलीफा के प्रति सारे इस्लामी जगत की श्रद्धा रही हो ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक मोबिलाइजेशन टेक्निक थी, और कई बार खलीफा ऐसा हुआ कि कोई खलीफा मान्य नहीं है इस्लामी जगत के उसमें। फिर उसको तुर्की के खलीफा को शुरू में अंग्रेजों ने ही कोशिश की कि सर्वमान्यता हो, फिर उन्होंने ही सोचा कि ये तो बहुत ताकतवर हो जाएगा, खासतौर से जब से तुर्की जर्मनी के साथ चला गया, तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने ये दोहरी चाल चली। तो जब पता चला कि अरे खलीफा का पद ही समाप्त हो गया है तुर्की में, तो ये जो उन्माद से भरे हुए मुसलमान थे जिनको गांधी जी ने जुटाया था, जो बातें तो अंग्रेजों के विरुद्ध करते थे लेकिन इसी बहाने खलीफा का बड़ा महत्व गाते थे और हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं और इस्लाम सबसे श्रेष्ठ है, दिन रात यही गाते थे। तो अब तुर्की में तो खलीफा का पद समाप्त हो गया, तो उसकी अपनी सारी खीज उन्होंने भारत के हिंदुओं पे, खासतौर से केरल में और अन्य कई इलाकों में मुसलमानों को ही मारना, कत्लेआम करना, पीटना, बलात्कार, व्यभिचार, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, जो कि उन्मत्त मुस्लिमों की विशेषता है, साधारण मुस्लिमों की बात मैं नहीं कर रहा, वो सब करने लगे। तो उसके बाद से हिंदू महासभा धीरे धीरे कांग्रेस से अलग हो गई, लेकिन पहले तो हिंदू महासभा कांग्रेस का ही अंग थी। 1920 तक तो हिंदू महासभा और कांग्रेस एक ही थे। गांधी जी के इस एक कदम से हिंदू महासभा के नेताओं को कांग्रेस से अलग होना पड़ा, क्योंकि गांधी जी ने कांग्रेस को मुसलमानों की सेवा वाली पार्टी बनाने की कोशिश की। तो डॉक्टर मुंजे जो हैं वो बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता थे और हिंदू महासभा के भी नेता थे, और वो अपने इलाके के बच्चों को, जरूरतमंद विद्यार्थियों को बहुत सहयोग देते थे। उस समय सारे देश में ही था, बड़ौदा नरेश ने अंबेडकर जी की बहुत सहायता की थी, श्री अरविंद की भी सहायता की थी। तो जो बड़े बड़े लोग थे, चाहे वो राजा हों, महाराजा हों, धनी लोग हों, प्रसिद्ध लोग हों, प्रतिष्ठित लोग हों,
बड़ी सहायता करते थे। तो डॉक्टर मुंजे ने कहा कोई बात नहीं, केशव की शिक्षा का दायित्व हम लेते हैं। तो उनको भर्ती कराया, भर्ती कराया तो बचपन से ही, देखिए ऐसे होता है कि पिछले जन्मों के संस्कार से मनुष्य पैदा होता है संस्कार के साथ। तो इसलिए हम देखते हैं कि श्री अरविंद हैं या वीर सावरकर हैं या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इन लोगों में बहुत ही कम आयु से पिछले जन्म के संस्कार के कारण प्रचंड देशभक्ति हमें देखने को मिलती है बहुत कम आयु से। इसके इसमें मेरा अपना भी अनुभव है कि जब मेरी बहुत ही कम आयु थी, बहुत ही कम आयु, तभी से मुझ में प्रचंड देशभक्ति थी। तो और भी कई ऐसे स्मरण थे जिसके सिद्ध होता है कि पिछले जन्मों के संस्कार के कारण ही ये होता है। मुझे बचपन में तो कुछ कुछ पिछले जन्म की स्मृति भी थी। तो डॉक्टर जो डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध हुए ऐसे केशव में प्रचंड देशभक्ति बचपन से ही थी। तो जिस स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ कोई अधिकारी आया दौरे में, तो कुछ नारे वारे लग रहे थे, तो इन्होंने वंदे मातरम का नारा लगा दिया। वंदे मातरम उस समय सारे देश में गूंज रहा था, बच्चे बच्चे में फैल गया था। अब अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो भोसले परिवार है उसके साथ छल करके मराठों में से कुछ को फोड़ के लड़ा के बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत ही छल किया। पुणे में उनका जो महल था उसको भी नष्ट कर दिया, सब जैसी उनकी आदत थी जैसे झांसी की रानी के साथ किया उससे भी ज़्यादा व्यवहार भोसले लोगों के साथ किया और उनको विवश कर दिया कि वो झुक के रहें। तो जो भोसले परिवार है वो तब अधीनस्थ हो गया था। शुरू में तो उन्होंने विद्रोह किया, बाद में दब के रहना पड़ा। तो तब कई क्षेत्रों में भारत के जिनमें से नागपुर भी एक शामिल है, नागपुर और बरार, वहाँ भी अंग्रेजों का शासन आ गया था। अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से ही शासन कर रहे थे लेकिन आ गया था। तो अंग्रेजों ने एक सर्कुलर क्रांतिकारियों से घबरा कर, और क्रांतिकारियों का उद्घोष था वंदे मातरम, ये एक तरह का उद्घोष था, संकेत भी था जैसे हर हर महादेव, उसी तरह वंदे मातरम। तो अंग्रेज इससे बहुत घबराते थे, वंदे मातरम कहीं भी सुना तो अंग्रेजों की हड्डियां कांपने लगती थी, कांपने लगते थे, पैजामा गीला हो जाए यानी पेंट गीला हो जाता था, बहुत ही घबराते थे यानी क्या होगा। तो एक सर्कुलर जारी किया बरार की ब्रिटिश सरकार ने कि जिस स्कूल में कोई शिक्षक या छात्र वंदे मातरम कहेगा उसको वहां से, शिक्षक को या विद्यार्थी उसको निकाल दिया जाएगा। तो डॉक्टर हेडगेवार को निकाल दिया गया। तो ये एक तरह से वरदान ही हुआ क्योंकि उसके बाद वो राष्ट्रीय विद्यालय यवतमाल में भर्ती हुए और फिर पुणे चले गए पढ़ने। डॉक्टर मुंजे उनका मार्गदर्शन कर रहे थे अभिभावक की तरह सब प्रकार से। तो इसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर मुंजे ने कहा कि भाई तुम कोलकाता चले जाओ, वहाँ चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई कर लो, हम सब खर्चे की व्यवस्था करेंगे। तो ये कोलकाता चले गए। कोलकाता जाके उन्होंने LMS उस समय जो होता था चिकित्सा की उपाधि डॉक्टरी की वो पढ़ी पूरी, और एक साल वहाँ प्रोबेशन पीरियड जो होता है अप्रेंटिसशिप का जो होता है वो भी किया। अप्रेंटिस करना पड़ता है उसके बाद ही कोई डॉक्टर डॉक्टर बनता है। तो पूरी पढ़ाई और उसके बाद अप्रेंटिसशिप करने के बाद वो विधिवत डॉक्टर बनकर नागपुर लौटे। लेकिन जहां उनमें बहुत ही बाल्यावस्था से जन्मजात संस्कार से देशभक्ति के, ऐसा मैंने बताया, वहां कोलकाता जाके तो वो और अधिक बढ़ गए। स्वाभाविक है कि कोलकाता में उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तीव्र थी। कोलकाता उस समय तक अंग्रेजों की राजधानी भी थी। 1912 में पहली बार दिल्ली में नींव रखी थी लेकिन वस्तुतः राजधानी तो बहुत बाद में 1932 ईस्वी में ही दिल्ली गई ना, तो तब तक कोलकाता ही राजधानी थी। तो अंग्रेजों की राजधानी भी कोलकाता थी और क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र, श्री अरविंद का उसके पहले केंद्र था और बहुत सारे क्रांतिकारियों का केंद्र, अनुशीलन समिति वहाँ काम कर रही थी। तो स्वाभाविक है कि डॉक्टर हेडगेवार इन सबके संपर्क में आए, क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनकी देशभक्ति और प्रदीप्त हो उठी। और चूंकि वो बहुत ही मेधावी थे, आधुनिक शिक्षा प्राप्त भी कर रहे थे, तो उन्होंने ध्यान से अंग्रेजों के अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ा, अंग्रेजों के देश का इतिहास भी पढ़ा, यूरोपीय इतिहास भी पढ़ा और अंग्रेजों के चरित्र को अच्छी तरह जान गए। तो क्या हुआ कि प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजों को और फ्रेंच लोगों को तो जर्मनी ने एकदम पीट ही दिया था,
अब ये बिजली नहीं होने से अचानक, अगर बिजली तुरंत नहीं आती तो ये हमारा लैपटॉप जाएगा, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि अपने मोबाइल से बात को आगे बढ़ाऊं, तो सर 2 मिनट का व्यवधान आ जाएगा अगर अचानक जाए, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने अंग्रेजों के स्वभाव को भी देखा, और जब प्रथम महायुद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता के कारण ही अंग्रेज बच पाए और फ्रेंच बच पाए, नहीं तो जर्मनों ने तो उनको पीस ही दिया था, खत्म ही कर दिया था, बुरी तरह हारने वाले थे, तो इससे वो भारतीय सेना से भय आ गया अंग्रेजों में, बहुत डरने लगे कि अरे बाप रे, तो इतने वीर हैं, उन्होंने तो जर्मनों को भी पीट दिया। जो कह रहे थे गुरु जी कि लैपटॉप की बैटरी जो है वो जाने वाली है और वहां पर लाइट नहीं है, तो वो डेफिनेटली मोबाइल के थ्रू हमसे वापस जोड़ने वाले हैं। आप सभी दर्शकों से निवेदन है जो देख रहे हैं, थोड़ा सा बेयर विद अस, बिकॉज वहां लाइट नहीं है, लेकिन गुरु जी के पास में नॉलेज की लाइट बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है, और उसी नॉलेज की लाइट से हम अपने दिमागों को जो है वो दमक दे सकते हैं, चमक दे सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास में प्रेजेंटेशन का स्टाइल होता है, लेकिन जो कंटेंट चाहिए वो सबके पास में हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग समझना, इनकी बात समझना, इनके बातों को, जिनके अनुभव की गहराई को लेकर के आना, ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज उनके साथ में जब कभी भी आती है दीदी कुसुम दत्ता केडिया जी, ये उन्हीं लोगों में शामिल होते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं प्रोफेसर साहब आने के लिए वापस, मुझे लगता है कि बहुत शायद अगले आधे मिनट के अंदर अंदर वो हमारे साथ में हो जाएंगे और हम सुन पाएंगे उस व्यक्तित्व के बारे में और अच्छे तरीके से, क्योंकि जब बात करते हैं डॉक्टर हेडगेवाल की तो अक्सर लोग कहानियां सुना देते हैं, लेकिन यह कहानी नहीं, पूरी कथा है बल्कि गाथा है डॉक्टर हेडगेवाल की। जी गुरु जी आप आ गए हैं, शायद वो वापिस से चले गए, वो दी है इज ट्राइंग जस्ट, सो ये होता है, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और हम सुनते भी है ना कि मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है, तो यहाँ भी चीजें अच्छे के लिए ही है। तो गुरु जी आप अपने मोबाइल को आड़ा कर लें तो आपका फ्रेम जो है वो पूरा आ जाएगा। जी करता हूँ, देख लीजिए, नहीं तो फिर जैसा है वैसे चलने देते हैं। देखता हूँ जी, अब देख तो लिया, ये वो आ जाए ना। जी अब आया कुछ? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया आ गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आवाज आ गई? आवाज भी आ रही है। अच्छा। आपकी आवाज भी आ रही है। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा तो फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊं? हाँ बिल्कुल, बात को आगे बढ़ा लीजिए आप। जी तो उन्होंने ये समझ लिया था कि अंग्रेज धूर्त तो बहुत हैं लेकिन डरपोक भी हैं, और भारतीय सेना से डर भी गए हैं, तो उनको एक अंदाज हो गया था, उस समय बहुत लोगों को अंदाज हो गया था। दुर्भाग्यवश कांग्रेस ने अंग्रेजों की कृपा से सत्ता प्राप्त की तो इस तथ्य को छिपा गए कांग्रेसी लोग। सच ये है कि वो लगभग सब लोगों को पता चल गया था कि आगे पीछे अंग्रेज जाएंगे भारत से, और जो मिंटो मार्ले सुधार घोषित हुआ था वो भी यही था। जो इंग्लैंड में भले लोग थे और जो समझदार लोग थे, दोनों ने कह दिया था कि हम तो क्रमशः अब यहाँ से जाएंगे और सत्ता सौंप कर जाएंगे, सत्ता का हस्तांतरण करके जाएंगे, लेकिन ये कहा कि भाई हम टुकड़े टुकड़े में जाएंगे, पहले स्वायत्तता देंगे, जैसा उनको आदत थी कि बड़ी बड़ी डींगे मारने की, तो पहले ये देखेंगे कि तुम लोग शासन के लायक हो नहीं हो, उसके बाद सत्ता सौंप के जाएंगे वगैरह, बहुत ही अपमानजनक बातें भी बोलते थे, लेकिन जो जानकार थे वो समझ गए थे कि ये तो बकवास कर रहे हैं, असल में इनको जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो ज्यादा होशियार लोग थे वो ये समझ गए थे कि इन्हें जाना ही पड़ेगा। एक मिनट, गुरु
जी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं और ऐसे में सारी चीजों की व्यवस्था करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन वो करते हैं हमारे लिए, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो लाइट ना होते हुए भी 76 वर्ष की आयु में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का प्रयास करता है तो प्रयास निर्धारित रूप से कभी अपने लिए नहीं हो सकता, बल्कि अपने देशवासियों के लिए, उनके सैद्धांतिक उन्नयन के लिए ही हो सकता है। जी गुरु जी, आप आ गए। जी, असल में डॉक्टर हेडगेवार को स्वयं बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ी थी, तो हम लोगों को अगर छोटी मोटी देनी पड़ रही है उन पर बोलते हुए तो स्वाभाविक है। मित्रों, तो ये अंदाज लग गया था जो लोग बहुत ही डॉक्टर, देखिए एक और तो ये भी एक कम्युनिस्टों का प्रभाव है कि भारत में हर आदमी जो आगे बढ़ता है वो शुरू कर देता है कि हम बड़े गरीब हैं और बड़े गरीब परिवार के हैं। तो डॉक्टर हेडगेवार भी आर्थिक दृष्टि से बड़े गरीब थे, ये ठीक है, लेकिन इस तरह से देखने का तरीका तो कम्युनिस्टों ने सिखाया है और अब क्या है, सबने सीख लिया। मोदी जी का भी बताया जाता है कि चाय वाले थे, सब फालतू बातें हैं। अपने यहाँ तो सही तरीका ये था कि भाई ये बताएं कि अमुक आदमी में जन्मजात प्रतिभा है, क्या प्रतिभा है, क्या गुण है। तो डॉक्टर हेडगेवार, जैसा मैंने बताया, पिछले जन्मों के संस्कार से जन्मजात देशभक्त थे और अपने समय के अत्यंत समर्थ राष्ट्रीय नेता का उनको संरक्षण प्राप्त था, तो इसलिए ऐसी कोई समस्या नहीं थी। और जाहिर है कि वो उस समय नागपुर से कोलकाता जाके वहां शिक्षा प्राप्त करना, जो कि उस समय अंग्रेजों की राजधानी थी, तो ये एक तरह से इलीट क्लास में शामिल होना है, ये सदा ध्यान रखिए। केवल ये रोते रहना कि वो चाय वाला है और वो गरीब है और बड़े गरीब थे आर्थिक रूप से, तो महाराणा प्रताप को भी लोग गरीब ही बता देते हैं विपत्ति के समय, तो ये सब कम्युनिस्ट दिमाग का असर हो गया है हिंदुओं में, वो सब गलत बात है। गोविंदाचार्य को भी हमारे मित्र लोग बड़ा कहते थे, बड़ा गरीब था, बड़ा गरीब था, पर मैंने फिर एक बार कहा कि अरे भाई ये क्या तरीका है, आप ये कहिए कि ये भारत के ट्रेडिशनल एलीट परिवार में हुए, क्योंकि जो वेदों का पढ़ने वाला है, वेद के ज्ञान से संपन्न है, ऐसा जो परिवार है वो तो ट्रेडिशनल एलीट परिवार हुआ। ब्राह्मण आर्थिक रूप से गरीब हो तो इससे वो गरीब नहीं होता, हमारे यहाँ कई तरह की समृद्धि होती है, तो ब्राह्मण ज्ञान में समृद्ध होता है, तप में समृद्ध होता है, उसको अभिजन कहते हैं, एलीट क्लास कहते हैं, इसमें शर्माना नहीं चाहिए। तो डॉक्टर हेडगेवार भी इलीट क्लास के थे, ये मेरा कहना है, और वो इसीलिए वो अंग्रेजों को अच्छी तरह समझ गए और उस समय के सभी इलीट क्लास के लोग समझ गए कि अब अंग्रेज जाएंगे। तो उसमें दो तरह के लोग थे, तीन तरह के लोग थे। एक तो ऐसे देशभक्त थे, प्रचंड देशभक्त, जिनको लगता था कि जाएंगे तो और दबाव बढ़ा दो और जल्दी चले जाए, इसमें वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अग्रणी। दूसरे थे गांधी और नेहरू जैसे लोग, ठंडी धारा जिसे मैं कहता हूँ राजनीति का, उन्होंने सोचा कि अच्छा जा रहे हैं तो इनसे दोस्ती कर लो, जिससे कभी हम इनको देखे जाएं, उसके लिए जो जरूरी हो सौदेबाजी कर लेंगे, और सौदेबाजी की गई। और तीसरी धारा है जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि श्री अरविंद और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जैसे लोग हैं। श्री अरविंद ने दीर्घकालिक दृष्टि से योग साधना शुरू कर दी और दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र में जो हमारा मूल ज्ञान है उसको अंग्रेजी में, ताकि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हो, बहुत ही उच्च स्तर का लेखन शुरू कर दिया, ध्यान शुरू कर दिया, योगाभ्यास, और वो अपने ढंग से दीर्घकालिक साधना करने लगे। और दूसरे सिरे पर श्री अरविंद और लोकमान्य तिलक आदि से डॉक्टर हेडगेवार भी प्रभावित थे, केशव भी प्रभावित थे। तो केशव ने सोचा कि चूंकि अंग्रेज तो अब जाएंगे ही, तो एक कर्मकांड तो चलता रहे, हमारे लोग देशभक्ति के जो भी आंदोलन हो, कांग्रेस के जो आंदोलन हो उसमें शामिल हो। 1920 में वो स्वयं भी कांग्रेस के आंदोलन में शामिल हुए थे, तो इसमें भी शामिल रहो ताकि जो राजनीति के क्षेत्र में राष्ट्रभक्ति की क्रियाएं चल रही हैं उनका भी ज्ञान रहे, लेकिन साथ ही कुछ दीर्घकालिक काम करो। तो डॉक्टर हेडगेवार ने अंग्रेज जब जाएंगे उस समय भारत में किस प्रकार से समाज में राष्ट्रीय चेतना जगे, इसके लिए दीर्घकालिक दृष्टि से कार्य शुरू किया। उसको इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि वो केवल मुसलमानों की प्रतिक्रिया में किया। ये ठीक है कि खलीफत का आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया और तुर्की में खलीफा का पद समाप्त हो गया, तो मुसलमानों ने जो उससे खलीफा आंदोलन से जुड़े हुए जो उन्मत्त किस्म के मुसलमान थे, उन्होंने सारा क्रोध हिंदुओं पे गुजारा, उन हिंदुओं पर जो उनका साथ दे रहे थे और बहुत ही बर्बर और घिनौने अत्याचार किए, तो उससे भी लोग दुखी हुए। ये तो मुसलमान चाहे जब कोई ठिकाने ही नहीं है, कब साथ रहें, कब बदल जाएं और इस तरह उन्माद दिखाते हैं, तो उसका भी एक उद्देश्य था, संगठित रहेंगे तो ये भी करेंगे, लेकिन
जो किशोर वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा था, जो अनुशीलन समिति का सदस्य था, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में पूरी तरह जुड़ा हुआ था, जो श्री अरविंद और लोकमान्य तिलक का प्रशंसक था, और तत्कालीन जो अंग्रेजी साहित्य है उसका भी जिसने अध्ययन किया था, ऐसा व्यक्ति इतनी छोटी सी बात थोड़ी सोचेगा कि मुसलमानों के उन्माद का मुकाबला करने लायक हिंदू हो जाए। तो देशभक्त थे, तो दीर्घकालिक दृष्टि से उन्होंने संघ की स्थापना का निर्णय लिया। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये हमारे आज के समय में काम की बात है कि देखिए, उस समय कांग्रेस पार्टी है, बहुत बड़ा राष्ट्रीय संगठन है, और उसकी दो दो धाराएं हैं, एक गर्म धारा है, तो जो भी देशभक्त और तेजस्वी नेता थे वो गर्म धारा से अपना सामीप्य अनुभव करते थे, लोकमान्य तिलक वाली धारा से। लोकमान्य तिलक चले गए, लेकिन उनके उत्तराधिकारी लोग फिर भी बहुत ज्यादा सक्रिय थे, स्वयं मुंजे उनके उत्तराधिकारियों में थे और बहुत से लोग थे, और दूसरी ओर स्वयं क्रांतिकारी थे ही, तो इसलिए जो दीर्घकालिक राजनीति कर रहा है वो ये तो जानता था कि अंग्रेजों को जाना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं, सबको पता था, लेकिन साथ ही ये भी पता था कि भाई हमें राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ और बड़े काम करने, कुछ श्रेष्ठ काम करने। तो ये एक चीज, तो इसलिए जो लोग कुछ जो अंग्रेजों से दोस्ती करके गद्दी पाने में लग गए वो तो लग गए, लेकिन जो ज्यादा गहरे और व्यापक प्रचंड देशभक्त लोग हैं वो तो इसमें लगे कि भाई बाद में क्या, अंग्रेजों के जाने के बाद क्या, उसकी तैयारी में लग गए, और डॉक्टर हेडली वार भी उनमें से थे। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की ये है कि उस समय कांग्रेस पार्टी है, उसमें ठंडी धारा के भी लोग हैं जिनको स्वयं अंग्रेज प्रतिष्ठा दे रहे हैं, तो देश में नाम तो उनका हो ही रहा है, नेहरू का, गांधी का। दूसरी ओर गर्म धारा के लोग हैं जो देशभक्त और क्रांतिकारी लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे हैं, तो वो भी सक्रिय हैं, और हिंदू महासभा उस समय बहुत बड़ा संगठन था, वीर सावरकर उसमें थे, एक से एक तेजस्वी लोग थे उसमें, अभी उनका नाम गिनाएंगे तो विषयांतर हो जाएगा, स्वयं डॉक्टर मुंजे थे जो केशव के संरक्षक थे। तो हिंदू महासभा है, कांग्रेस है, क्रांतिकारी भी काम कर रहे हैं, इसके बावजूद एक 20 साल का लड़का जो देशभक्त है, 20 नहीं 30 साल का लड़का, क्योंकि 36 वर्ष की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर दी थी 1925 में, तो जाहिर है कि इसका विचार 5-6 साल पहले से आ रहा होगा। तो वो 30 साल की उम्र का एक लड़का सोचता है कि हमको देश की दीर्घकालिक सेवा की दृष्टि से एक संगठन बनाना, अंग्रेज तो आए हैं चले जाएंगे, अब दिख ही रहा है कि चले जाएंगे, नहीं होगा तो हमारे सैनिक भी इनको पीट देंगे, तो ये कोई समस्या नहीं है, हमको उसके बाद का भारत कैसा होगा, उसमें राष्ट्रभक्ति कैसे होगी, उसमें शील और चरित्र की निष्ठा कैसे होगी, इसकी चिंता उन्होंने की, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। तो अब ये जो भारतीय दृष्टि से अगर देखें तो इसमें ज्यादा महत्व दोनों बातों का है, डॉक्टर हेडगेवार का यानी केशव का महत्व ये है कि उनमें इतनी सूझबूझ, इतनी गहरी अंतर्दृष्टि, इतनी दीर्घकालिक राजनीतिक दृष्टि, राष्ट्र के विषय में इतनी गंभीर दृष्टि थी कि उन्होंने समझ लिया कि अंग्रेजों के जाने भर से बात नहीं बनेगी, एक विराट साधना राष्ट्र की प्रज्ञा और शील के लिए की जाए। और हिंदू समाज की इसमें जो विशेषता है वो नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आजकल जब से ये कम्युनिस्टों का असर जवाहरलाल नेहरू ने फैलाया तो सभी दलों में कम्युनिज्म का बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया, क्योंकि शिक्षा कम्युनिज्म से प्रभावित है, तो हर पढ़ा लिखा आदमी मोटे तौर पर जाने अनजाने कम्युनिस्टों की पदावली में सोचने लगता है, तो संगठनों को हम बहुत महत्व देने लगे, संगठन तो आसमान से नहीं आते ना। तो कांग्रेस जैसा एक विराट संगठन मौजूद है, और हिंदू महासभा भी एक से एक तेजस्वी लोगों वाला संगठन मौजूद है, इसके बावजूद एक 30 साल का युवक संकल्प करता है कि वो भी एक देशभक्ति संगठन बनाएगा, देशभक्ति से भरपूर लोगों का, और हिंदू समाज उसको भी अपने सर्वश्रेष्ठ लोगों को देता है। हिंदू समाज का महत्व समझिए, जैसे हिंदू समाज ने सिक्खी के लिए अपने हर घर से एक निकाला, अगर सिख पंथ के लोग हिंदू समाज के प्रति कृतज्ञ नहीं रहे तो कितना बड़ा दोष होगा,
बिना हिंदू समाज के सिख पंथ खड़ा ही नहीं हो सकता था। उसी प्रकार कांग्रेस हो और हिंदू महासभा हो, कोई भी हो, इसके जो मुख्य लोग हैं वो महान हैं, लेकिन हिंदू समाज महानतर है जो इनके लिए लोग देता है। तो डॉक्टर हेडगेवार ने जैसे ही देशभक्ति की भावना से भरकर काम शुरू किया तो हिंदू घरों से लड़के निकलने लगे। इसका मतलब देश भर में ऐसे संस्कारवान देशभक्त लोग भरे पड़े हैं, जो कोई इस संगठन में जाता है, कोई उस संगठन में जाता है। ये सदा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें हिंदू समाज का बहुत बड़ा महत्व है, जिसे आजकल लोग भूल गए हैं। संघ का महत्व गाते हुए अगर आपने उसके संरक्षक, उसको अपने श्रेष्ठ युवक देने वाले समाज का ही स्मरण नहीं किया तो आप कृतघ्न हैं और आप अहिंदू हैं, अभारतीय हैं। हिंदू समाज ने खूब आशीर्वाद दिया। हिंदू समाज में एक से एक देशभक्त संस्कारी परिवारों से दूर निकलने लगे और कहां तो थोड़े से लोगों को ही लेकर उन्होंने शुरू किया। पर वो थोड़े से लोग कोई बहुत मामूली लोग नहीं थे, जैसा बताया जाता है, बताया ना कि वो फलाना बड़ा गरीब है यहाँ से शुरू करके फिर ये भी शुरू करेंगे कि नहीं नहीं बस ऐसे ही, ये कुछ बानरों बानर भालुओं को भी जो दीनहीन बताए जाने लगा है ना, जबकि वो देवताओं के अंश से। तो इसी प्रकार पांच लड़कों को लेकर शुरू किया, तो ऐसे नहीं होता। वो पांच लोग कौन है, वो पांच लोगों में कौन है, इसको अगर हम समझें तो वो एक से एक प्रतिभावान लोग हैं ना। उसमें बाबा साहब आपके हैं, उसमें बाला साहब देवरस हैं जो आगे चल के कितने बड़े एक तो सरसंग चालक ही होते हैं, उसमें वर्तमान जो सरसंग चालक हैं उनके पिताजी हैं मधुकर राव भागवत, उसमें इसी तरह के बहुत से लोग हैं। सबके सब अत्यंत प्रतिभाशाली देशभक्त, यानी भविष्य के जो महान बनने के सारी संभावना वाले युवक बच्चे हुए ना। उसको ऐसे नहीं करें कि डॉक्टर हेडगेवार ने किया तो बस अब उनका ही महत्व गाओ और बाकी सबको भूल जाओ। जो उनसे जुड़े वो मामूली लोग नहीं थे, वो भी श्रेष्ठ लोग थे। और उन्होंने फिर और उसके बाद और लोग जुड़ते गए। आखिर उस समय की स्थिति में हेलो क्या हो जाता है बीच बीच में, उस समय की स्थिति में अगर घर घर से आए दिन लोग मिलने लगे, यानी 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि डॉक्टर साहब के जीवन में बहुत समस्याएं आई हैं, तो कुछ समस्याएं यहाँ भी हैं, तो बस उन्हीं समस्याओं के साथ साथ में हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं और हम करेंगे। आवाज आ रही है जी गुरु जी, आपकी आवाज आ रही है ना जी? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। तो जी थोड़ा सा इसको मैं और एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 मिनट। और ये जो गुरु जी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे पिछली श्रृंखलाओं में भी जिस तरीके से बात हुई है, अगर आपने अंग्रेजों के बारे में गुरु जी के पिछले 2 व्याख्यान नहीं सुने हैं तो आपने कुछ मिस कर दिया है, उसे सुन लीजिएगा। और हमारे पूरे जम्मू टॉक्स में जितने व्याख्यान हुए हैं ये ऐसे व्याख्यान हैं, और जो श्रृंखलाएं चल रही हैं लगातार वो ऐसी श्रृंखलाएं, ऐसे व्याख्यान हैं जो आमतौर पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बहुत सारा काम कर रहे हैं और बहुत सारे मिलियंस में उनके व्यूज देखेंगे, हमारे बड़ा छोटे हैं, कभी 400, कभी 500, कभी 600, तो कभी 200, इतने ही व्यूज हम लोगों के आते हैं अभी तक में। लेकिन मैं इतना जरूर आपको बता सकता हूँ कि जो विषय यहाँ पर दिया जा रहा है वो विषय बहुत अनमोल है, और उस विषय को समझिए धीरे धीरे चीजें। वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर हम सफर आते गए और कारवा बनता गया। तो हमारी टीम तो आप ही है, उनसे कई बार जब लोग कहते हैं कि आप और आपकी टीम को धन्यवाद, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि इस साइड में मेरी टीम में मैं अकेला हूँ, और जब आप लोग जुड़ जाते हैं तो हमारी टीम बड़ी बन जाती है, तो मेरी टीम आप लोग भी। और इसी के साथ लगता है ऐसे ही करना पड़ेगा। जी 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 कोई बात नहीं, आप ऐसा करें तो क्या दिक्कत है? ना 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 कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए आराम से, आराम से जी। तो मित्रों, हिंदू समाज ने जो योगदान दिया, हिंदू समाज ने हिंदू समाज के संस्कारी परिवारों से जगह जगह से युवक निकलने लगे, और 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयादशमी के दिन की,
और 1940 में जब वो गए हैं तब तक इसकी अखिल भारतीय पहचान बन चुकी थी। यानी दो दो राष्ट्रीय संगठन मौजूद हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छवि बन रही है सारे देश में, उधर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि की भी है, गांधी और नेहरू की अपने ढंग से है, सब है, और इसके बावजूद लोग इनको भी पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरा सम्मान दे रहे हैं। इसको समझना चाहिए, ये बहुत बड़ी। बीच बीच में गुरुजी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मोबाइल को ठीक करके कि पूरा फ्रेम ठीक कर लिया जाए, लेकिन हम उनसे अब की बार कहेंगे कि भाई जितना है ना उतने में ही काम चला लीजिए, हम फ्लो ना तोड़े तो ज्यादा बेहतर है जी। जी, किस प्रकार से हिंदू समाज सब प्रकार से सहायता देता है लोगों को, देशभक्ति के लिए कैसे उमड़ पड़ते हैं घर घर से लोग, तो उस हिंदू समाज का भी अभिनंदन अवश्य करना चाहिए कि 15 वर्षों की कठिन तपस्या के द्वारा संघ के देशभक्त युवकों ने, जो प्रचारक बनकर निकले, वो सारे देश में चारों ओर छा गए और एक राष्ट्रीय संगठन बनकर खड़ा हो गया। और डॉक्टर हेड के बारे में ऐसी अंतर्दृष्टि थी कि उन्होंने समझ लिया कि इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त ये माधव सदाशिव गोलवलकर, माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर नाम के जो तेजस्वी युवक थे, जो सन्यासी हो गए थे, ये हमारे सर्वोत्तम उत्तराधिकारी होंगे, और उनको चुना। और उनका इतना प्रभाव था परम पूजनीय डॉक्टर साहब का, उनको लोग डॉक्टर साहब या डॉक्टर जी ही कहते थे, तो डॉक्टर जी की देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा और अंतर्दृष्टि सबके विषय में ऐसी सर्वसम्मत मान्यता थी कि उन्होंने सब सबको लगा कि अगर ये गुरु गोलवलकर यानी माधव सदाशिव राव गोलवलकर जैसे एक नए व्यक्ति को सरसंघ चालक बनाने के लिए चुन रहे हैं तो सर्वथा उचित ही। और बाद के परिणामों ने दिखा दिया कि वो सर्वथा उचित था। माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर अद्वितीय तेजस्वी योगी थे, उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत, उनकी बुद्धि अद्भुत, उनका शील और चरित्र अद्वितीय, तो उन्होंने फिर उसे और फैलाया। तो हमको जो डॉक्टर हेडगेवार से सीखने को मिलता है, सर्वप्रथम वो जहां स्वयं डॉक्टर हेडगेवार की देशभक्ति और उनकी अंतर्दृष्टि और उनकी कर्तव्य निष्ठा और उनका शील और उनका विजन, जिस विजन के चलते उन्होंने संघ खड़ा किया, वो भी मिलता है। लेकिन साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको आशीर्वाद तो इसी हिंदू समाज ने दिया, यानी हिंदू समाज में इतनी अधिक शक्ति है, इतना अधिक देशभक्ति के संस्कार भरे पड़े हैं चारों ओर, कि जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो ऐसे चारों ओर से युवक युवतियां आगे आते हैं। बाद में लक्ष्मी ताई केलकर ने राष्ट्रीय राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना परम पूजनीय डॉक्टर जी से पूछ के की, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, स्त्रियों का एक, कन्याओं का अलग संगठन हो और हम उसको पूर्ण सहयोग देंगे, तो वो राष्ट्र सेविका समिति भी उतना ही तेजस्वी, उतना ही बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। इसमें हिंदू समाज की महिमा कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो राष्ट्रीयता का पोषण राष्ट्र के ही संस्कारी, देशभक्ति से संपन्न तेजस्वी युवक और युवतियां कर रहे हैं दिन रात, और वो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध कौन करेगा, जो वस्तुतः राष्ट्रीय भावना से रहित है। तो जवाहरलाल नेहरू को शंका हुई कि अरे, ये तो बातें तो करते हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है गद्दी से, लेकिन ये कल को शक्तिशाली हो गए तो क्या पता हमको हटा ही दें। और उधर उनके आका लोगों ने तो कहा ही था कि भाई, हिंदुत्व को बढ़ने मत देना भारतवर्ष में। तो गांधी जी के विरुद्ध, गांधी जी जो मूर्खताएं कर रहे थे मुसलमानों के पक्ष में, मुसलमान हिंदुओं को कह रहे थे कि आत्म बलिदान कर दो मुसलमानों के समक्ष, वो तुम्हारे भाई हैं, लेकिन मुसलमानों से कभी नहीं कहा कि ये तुम्हारे भाई हैं और अपना आत्म बलिदान कर दो हिंदुओं के समक्ष। ऐसा एक तरफा भेदभाव जो कर रहे थे, उससे जो थोड़े भावुक युवक हैं, जो राजनीति का खेल नहीं जानते ज्यादा, उनको लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ आदमी है। और ऊपर से उन्होंने ब्रह्मचर्य के प्रयोग के नाम से बहुत से व्यभिचार वगैरह भी किए, तो उनके बारे में बड़ा क्रोध फैल गया हिंदू समाज में कि ये तो कुछ लंपट किस्म का आदमी है। तो उन्होंने सोचा इनको साफ करते हैं। अब उनको ये पता नहीं था कि राजनीति का खेल ऐसा केवल व्यक्तियों तक केंद्रित नहीं होता, और गांधी जी उस समय मुख्य व्यक्ति नहीं थे।
अंग्रेज लोग तो तब तक जवाहरलाल नेहरू को चुन चुके थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पहला व्यक्ति है जिसने उस समय घोषणा की कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लड़ने जाऊंगा। गांधी जी ने तो कहा था नहीं भाई, सुभाष के साथ सारा देश खड़ा है और सारा देश सुभाष को पूछता है, इसलिए मैं इस समय सुभाष के विरुद्ध तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये संपूर्ण गांधी वांग्मय में लिखित है कि सुभाष को आज सारा देश पूछता है, इसलिए सुभाष के विरुद्ध तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। नेहरू ने कहा मैं आऊंगा, तो नेहरू को चुन लिया अंग्रेजों ने। तो इसलिए उस समय जो कुछ हो रहा था वो अंग्रेज कर रहे थे और नेहरू कर रहा था, और गांधी को ब्लैकमेल कर रहे थे अंग्रेज, क्योंकि गांधी जी की ये जो आदतें थी सेक्स वाली, कामाचार वाली, उसका दबाव मुझे लगता है किसी समय उन्होंने कोई रहस्य, कोई भूल जान ली होगी तो ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि तो गांधी जी एक बात कहते हैं फिर अचानक पलट जाते हैं, तो ये बिना ब्लैकमेलिंग के तो ऐसा नहीं होता। जो भी है पता नहीं, उसका अलग से अनुसंधान होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी सामान्यतः बोलते सब बहुत अच्छा थे लेकिन काम करते समय प्रायः गड़बड़ काम कर जाते थे। तो उस समय जो राजनीति चल रही थी उसमें गांधी की हत्या से क्या होगा? गांधी वाज नॉट ए मेजर प्लेयर, गांधी मुख्य खिलाड़ी नहीं थे उस समय। राजनीति के मुख्य खिलाड़ी थे चर्चिल, और भारत में उनका दास था जवाहरलाल नेहरू, और स्टालिन से भी इसने दोस्ती कर ली थी, तो स्टालिन और चर्चिल दोनों का अनुयायी था जवाहरलाल नेहरू। तो हत्या है, तो एक तो राजनीतिक हत्या से इस तरह कुछ होता नहीं, पूरे मैकेनिज्म को समझना चाहिए। लेकिन बहरहाल उन्होंने गांधी की हत्या की सोची गुडसे वगैरह ने, और ये खबर लग गई थी सबको, पहले ही एक बार और प्रयास हो चुका था। तो जवाहरलाल ने सोचा कि ये गांधी हमारे रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है, तो ये भी साफ हो जाए, और ये जो संघ उभर रहा है ये भविष्य की राजनीति के लिए खतरा है, तो ये भी साफ हो जाए। तो एक तीर से दो शिकार होने दिए, कुछ मत करो, न तो गुडसे को से संपर्क करो, न गुडसे को प्रेरणा दो, लेकिन गुडसे को रोको भी नहीं, और बाद में सबको बदनाम कर देंगे। तो गुडसे ने जब गांधी जी को भावावेश में आकर मार दिया, भावावेश में तो लोग अपने पिता की भी हत्या कर देते हैं, देशभक्ति की प्रचंड भावना से भरकर गुडसे ने गांधी को मार दिया, तो नेहरू को बहुत बढ़िया मौका लगा और उन्होंने संघ पर ही प्रतिबंध लगा दिया, बिना कोई प्राथमिकी कहीं दर्ज किए, बिना कोई प्रमाण जुटाए, कह दिया कि संघ ने कुछ ऐसा वातावरण बनाया था कि जिस वातावरण में गुडसे जैसे लोगों को गांधीवाद की प्रेरणा मिली, और इस बहाने दमन शुरू कर दिया, और कांग्रेसियों की व्यवस्थित जो कांग्रेसी नेहरू धड़े के सेवक थे उनको उकसाया कि जगह जगह मारो संघियों को। तो जगह जगह संघ के स्वयंसेवकों पर, और विशेषकर गुडसे चूंकि ब्राह्मण थे तो ये कह के ब्राह्मणों पर जगह जगह आक्रमण होने लगे। दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में तो बहुत आक्रमण हुए, उत्तर भारत में नेहरू को पता था कि अगर हमने ब्राह्मणों को टारगेट किया खुल के, तो उसको स्टालिन का पता था, रूस का पता था कि किसान तो बहुत शक्तिशाली होते हैं और उनको बुरी तरह कुचला नहीं गया तो वो मार देते हैं नेताओं को। तो भारत में इनको लगा कि ये ब्राह्मण हम ही को ना मार दें, तो उत्तर भारत में उसने ब्राह्मणों की उतने बड़े पैमाने पर हत्या नहीं करवाई, मारपीट नहीं कर, दक्षिण भारत में बहुत आक्रमण करवाया। तो इस ऐसी कठिन परिस्थिति में भी बड़ी सूझबूझ से संघ खड़ा हुआ। तो इस तरह राष्ट्रीयता का पोषण अपने संस्कारों और अपने ज्ञान के कारण, अपने विशाल अध्ययन के कारण, श्री अरविंद और लोकमान्य तिलक से प्रेरणा लेने के कारण, ऋषि बंकिम से प्रेरणा लेने के कारण, वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संपर्क रखने के कारण, डॉक्टर मुंजे से प्रेरणा लेने के कारण, और स्वयं अपने संस्कार और अपनी प्रज्ञा के कारण, डॉक्टर हेडगेवार ने और उनके द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्रीयता का पोषण करना अपना बहुत बड़ा कर्तव्य माना। निष्ठा भाव से बिना किसी फल की आकांक्षा किए उन्होंने सेवा की, उनकी प्रार्थनाएं, उनका इसीलिए राष्ट्र का कितना बड़ा विजन था ये इससे पता चलता है कि जो प्रातः स्मरण में वो राष्ट्र के सभी तीर्थों का, सभी महत्वपूर्ण स्थानों का, सभी महान राजर्षियों का, ब्रह्मर्षियों का, मुनियों का, वीरों का, वैश्यों का, दानियों का, व्यापारियों का, शिल्पियों का, वैज्ञानिकों का, सब प्रकार संगीतज्ञों का, कलावंतों का, गुणवंतों का, जो जो महापुरुष हुए हैं सबका सांकेतिक स्मरण करते हैं, उनके गुणों का, उनमें से बहुत सारे लोगों का नाम लेते हैं, प्रसिद्ध लोगों का, और फिर ये भी कह देते हैं कि जो अज्ञात भी वीर हैं, जो इन्होंने लगातार निरंतर भारतवर्ष को इस तरह अपनी भूमिका से, अपनी सेवा से, अपने योगदान से इसके इसकी महानता को अक्षुण्ण रखा है, तो हम उसके उसका नित्य स्मरण करते हैं। तो ये इससे पता चलता है ना कि मूल जो दृष्टि है वो तो बड़ी विशाल है, लेकिन इसमें फिर एक समस्या और भी है, क्योंकि आज का विषय ये है कि राष्ट्रीयता के पोषण में डॉक्टर हेडगेवार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका,
तो इसमें सीमा को भी याद रखना पड़ेगा कि अगर तो संघ के लोग जैसा आप दिख रहा है केशव माधव पंथ बनाने लगे और इस बहाने एक गुट सा बन गया जैसे कोई अन्य गुटों से स्पर्धा में हिंदू महासभा से या अन्य संस्थाओं से स्पर्धा में, हिंदू महासभा तो कमजोर हो गई है लेकिन भारत की अन्य हिंदू संगठन वाले हिंदू संगठनों से अगर स्पर्धा भाव आ गया राजनीतिक लोभ के कारण सत्ता में जाने के कारण, तो वो फिर ठीक है आप सत्ता में बने रहेंगे, सत्ता में तो कांग्रेस भी बनी रही 60 सालों तक लगातार बनी रही और इसके बाद भी बीच बीच में आती रही और अभी भी कुछ कांग्रेसियों का एक तरह से मन तो है ही है कि शायद हम फिर सत्ता में आ जाएं। तो सत्ता में आना अलग बात है, सत्ता में तो पापाचारी भी आते हैं, दुर्नीतिज्ञ भी आते हैं, दुष्ट लोग भी आते हैं। अंग्रेज भी सत्ता में आए थे 90 वर्ष तक भारत के नीचतम लोगों को साथ लेके, दुष्ट लोगों को साथ लेके, धूर्त लोगों को साथ लेके, चरित्रहीन और देशभक्ति से विहीन लोगों को साथ लेके, और कई बार मजबूरी में अच्छे लोगों को भी प्रैक्टिकली रणनीतिक ढंग से साथ लेना पड़ा, सबको साथ लेके उन्होंने 70-90 वर्ष भारत में राज्य किया। लेकिन इससे कोई अंग्रेजों की महिमा थोड़ी बढ़ी है, उनकी केवल निंदा होती है, उनको धिक्कारा जाता है, उनको नीच कहा जाता है, उनको कृतज्ञ कहा जाता है, उनको दुष्ट कहा जाता है, उनको पापी और अपराधी कहा जाता है। इसी प्रकार कांग्रेस ने शुरू में कांग्रेस ने कई अच्छे काम भी किए राष्ट्र निर्माण की अपनी समझ से, लेकिन साथ ही धीरे धीरे जिस तरह से ये कोशिश की कि नेहरूवादी धड़े समाजवादी धड़े के विरुद्ध सब लोगों को राजनीति से बाहर कर दिया जाए, पहले महामना मालवीय को अलग किया, राजर्षि टंडन को अलग किया, फिर भी जवाहरलाल नेहरू जी में इतना शील तो था कि जो पुराने लोग थे उनकी शादी में ब्याह में घरों में जाते थे, हमारे कई परिचितों के विवाह के समय वो सपरिवार पूरे मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे उनके घर पर, इसका अर्थ है कि जो भारतीय शिष्टाचार है, जो मेल जोल है, जो आत्मीयता है, वो भी उन्हें खूब आती थी, पुराने आदमी थे। लेकिन इसके बाद इंदिरा जी आई तो उन्होंने अपनी ही पार्टी को तोड़ना शुरू कर दिया, काफी कठोरता की, कहा जाता है कुछ राजनीतिक हत्याएं भी कराएं या नहीं मुझे पता नहीं। फिर राजीव गांधी आए तो उन्होंने तो कहा कि अब चूंकि एक सिख ने हमारी माँ की हत्या कर दी है तो हम सिखों हजारों लाखों सिखों की हत्या कर देंगे, तो इस तरह का काम किया। तो उससे कांग्रेस की कोई शोभा नहीं बढ़ी, कोई गौरव नहीं बढ़ा, कोई यश नहीं बढ़ा, कांग्रेस नीचे चली जाती रही। तो अगर एक धड़े के रूप में विकसित हो गया संघ भविष्य में, ये परम पूजनीय गुरु जी गोलवलकर ने भी ये कहा है विचार नवनीत में, साफ कहा है कि अगर कोई समूह नाजियों की तरह, जर्मनी के नाजियों की तरह या सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की तरह एक अकेली पार्टी, एक अकेले समुदाय, एक अकेले गिरोह, एक अकेले दल का ही वर्चस्व सारे देश में चाहता है, यहाँ की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि विभिन्न विभूतियां रहेंगी, विभिन्न दल रहेंगे, विभिन्न समूह रहेंगे, जो एक सहज लोकतांत्रिक शील और स्वभाव है भारत का, उसके विरुद्ध अगर करता है तो देश के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो संघ के लिए कहा है परम पूजनीय गुरु गोलवलकर जी ने। तो अगर संघ के लोगों में धीरे धीरे क्या हुआ है कि जो कम्युनिस्ट प्रणाली वाली शिक्षा नेहरू जी ने ला दी, जो फिर भाजपा ने भी जारी रखी, आज तक चल रही है, उसके कारण जो उससे पढ़ लिख के लोग निकलते हैं उनको ये बड़ा भ्रम हो जाता है, वो आधार और आधेय का संबंध ही भूल जाते हैं। संघ का आधार हिंदू समाज है, हिंदू समाज के आशीर्वाद से संघ बढ़ा है, इसे भूल जाते हैं। और ये जो किसी को मसीहा, किसी को उद्धारक, किसी को लिबरेटर, किसी को सोशल इंजीनियर मानने की जो ईसाइयों की, मुसलमानों की, कम्युनिस्टों की परंपरा है, वो हमारे शिक्षित समुदायों में हर एक में आ गई है, धर्म वालों में भी आ गई है। अपने गुरु को कहेंगे कि यही एकमात्र परमात्मा का अवतार है, बाकी गुरु तो ऐसे ही हैं, कमजोर हैं। तो राजनीतिक दलों में भी आ गई है कि बस हमारा दल महान, आजकल तो बड़ा मुहावरा चल पड़ा है, वो किसी समय शोभा में बहुत ही शील संपन्न एक महान देशभक्त सरसंघ चालक ने ये कह दिया कि देवतुल्य कार्यकर्ता है। अरे बाबा, तो उन्होंने आपको स्नेहवश कह दिया, उससे आप सचमुच ही देवतुल्य मानने लगे, और जनता में दिखता है कि आप तो भ्रष्टाचार भी करते हैं और आप काफी कदाचार भी करते हैं, और कांग्रेस से भिन्न कोई खास आचरण आपका सिवाय अपवाद नेताओं के, मोदी जी हो, अमित शाह हो, ऐसे 10-20 नेताओं को छोड़ के आपका आचरण भी मामूली है, तो किसी कोने से आप देवतुल्य नहीं दिखते, और आप देवतुल्य अपने को कह जा रहे हो, देवतुल्य बनने की लालसा ही छोड़ दीजिए, ये साधारण बात है, क्या देवता तो बड़े विरल विभूतियां हैं, तो कार्यकर्ता कैसे देवतुल्य हो जाएगा। तो ये क्या है, ये वही
अपने मतवाद को, अपने घरेलू समुदाय को, अपने छोटे से गिरोह को, अपने छोटे से पंथ को सर्वोपरि बनाना और अन्यों का तिरस्कार करना या उनकी उपेक्षा करना या उनके महत्व को कम करके दिखाना, ये अगर होगा तो हिंदू मनीषा इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये स्वयं परम पूजनीय गुरु जी गोलवलकर ने कहा है और संघ के सभी शीर्षस्थ लोग मूलतः इसे जानते हैं, लेकिन भाजपा में क्योंकि ये कम्युनिस्ट पैटर्न के सब दल चल रहे हैं, इस पर हमने अलग से कई बार बताया है कि ये तो सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी है जिसमें माना जाता है कि एक कोई बड़ा वैज्ञानिक है और वो समाज के बाकी सब लोग मासेस हैं, आम आदमी है, राई के ढेर की तरह हैं, उसको रूपांतरित कर सकता है अपनी पार्टी के कैडर के जरिए, समाज को बदल डालो। तो यानी नेता जो है वो तो हो गया वैज्ञानिक और समाज के लोग हो गए राशियां, द्रव्य राशि, मैटर, और उसको ट्रांसफॉर्म करना है। इस विचार से ये दल चले हैं, तो दल समाज के प्रतिनिधि नहीं है बल्कि समाज के नियंता होना चाहते हैं, समाज के मसीहा, समाज के उद्धारक, समाज को बदल डालो, समाज को नेताजी की योजना के अनुसार रूपांतरित कर दो। तो सरसंघ चालक की योजना के अनुसार अगर भारत राष्ट्र को ढलना है तो वो तो अधर्म कहलाएगा, धर्म नहीं कहलाएगा। भारत की योजना के अनुसार अगर सरसंघ चालक और संपूर्ण संघ को चलना है, भारत की जो मनीषा है, भारत की जो स्वयं संघ में ये गीत गाया जाता है, यह कलकल छल छल करती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आया यह पुण्य प्रवाह है हमारा। तो संघ की विशेषता क्या है कि उसने मूल बातों को स्मरण रखा है। संघ की प्रार्थना देखिए कैसी पवित्र प्रार्थना है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे साधरन त्वान नमामो वयम त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम शुभामाश संदेह तत्पूर्तये। तो जब ऐसे आप कहते हैं कि हम समुत्कर्ष निश्चय कमुद्रम परम साधनम नाम वीरव्रतम तदंत स्वक्षया धेय निष्ठा रंत प्रजागृत तीव्रा निशम विजेत्री जन संघता कार्य शक्ति विधाया से धर्म से संरक्षण परम वैभव ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते भृशम। जब आप ये कहते हैं कि हम इस राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए धर्म की साधना करेंगे, तब आप धर्म की व्यापकता की साधना करते हैं, उसके लिए धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ज्ञान परंपरा को जानते हैं, और तब भारत के शील को, भारत की जो विविधतापूर्ण परंपरा है उसको जानते हैं। ये जो कांग्रेसियों ने चला दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कह के, सिख तो यूं ही घुसेड़ दिया, हिंदू मुस्लिम ईसाई इनके बीच की विविधता को एकता कहना ये तो पाप है। मूल एकता तो हिंदू हिंदू की एकता होनी चाहिए ना पहले भाई, हिंदू एकता। एकता किसका स्वभाव है? हिंदुओं का। और अनेकता में एकता नहीं है, एक की अनेकता है। हिंदुओं में क्या है, संपूर्ण हिंदू समाज एक है और वो अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है। एक की अनेकता हिंदू की विशेषता, एक की अनेकता हिंदू की विशेषता। तो हिंदू समाज वैविध्य का अभ्यासी है, इसका ये अर्थ बताना कि वो हिंदू केवल एक इकाई है और मुसलमान उसी के समतुल्य दूसरे हैं और ईसाई दूसरे हैं, ये तो मूर्खता है। और आजकल तो भाजपा के नेता भी इसी भाषा में सोचते हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई, तो हिंदू मानो एक इकाई है। अगर आप हिंदुओं के वैविध्य को ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अलोकतांत्रिक भी हैं, अभारतीय भी हैं, अहिंदू भी हैं। इसलिए कोई एक संगठन देश का मार्गदर्शन करेगा, एक संगठन अपने संगठकों के, अपने अधिकारियों की योजना के अनुसार देश को हाँकेगा, ये तो पाप है। एक संगठन इस महान राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुति देगा, अपना योगदान देगा, अपना विनम्र योगदान देगा और अन्यों के योगदान का भी वैसा ही भावना से स्मरण करेगा जैसे यज्ञ में। यज्ञ तो खैर एक रूपक है, क्योंकि यज्ञ में कोई एक यजमान होता है, एक पुरोहित होता है, लेकिन जो राष्ट्र यज्ञ चल रहा है इसमें कौन यजमान है? सभी राष्ट्रभक्त लोग यजमान है, तो कौन पुरोहित है? सभी राष्ट्र के मनीषी इसके पुरोहित हैं। तो ये अनंत यज्ञ चल रहा है, सतत यज्ञ चल रहा है, अविराम यज्ञ चल रहा है, इसमें सभी मनीषी जो हैं वो पुरोहित हैं और सभी राष्ट्रभक्त लोग इसमें यजमान हैं। तो इसमें कोई कहे कि नहीं बस यजमानों का ये समूह जो है जो हमारी पार्टी से जुड़ा है वही तो राष्ट्रभक्त है और बाकी सब जो है वो राष्ट्र प्रति उदासीन है, अगर ये कहा तो ये राष्ट्रीयता का पोषण नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी तक राष्ट्रीयता का पोषण करता रहा है, उसके शीर्ष लोगों में राष्ट्र के वैविध्य की, राष्ट्र की मूल प्रज्ञा की, राष्ट्र के विराट
विस्तार की, राष्ट्र के विराट ऐश्वर्य की, राष्ट्र की विराट ज्ञान परंपरा की, शौर्य परंपरा की, उद्योग व्यापार परंपरा की, शिल्प परंपरा की, सभी वैज्ञानिक परंपरा की, संगीत और कला परंपरा की, सभी परंपराओं की खूब जानकारी है। नित्य प्रातः स्मरण में सबका स्मरण किया जाता है, लेकिन शिक्षा के कम्युनिस्ट ढांचे के कारण शिक्षा के नाम पर कुशिक्षा और मूर्ता फैलाने की कांग्रेस की योजना भाजपा शासन में भी ज्यों की त्यों जारी रहने के कारण हमने कई बार संघ के जो नए लोग आए हैं उनको ये सुनते देखा है कि मानो संघ ही हिंदू समाज का उद्धारक है। अगर आपने ये मान लिया कि संघ हिंदू समाज का उद्धारक है तो आप हिंदू नहीं रहे, आप मुसलमान हो गए, आप ईसाई हो गए। अगर आपको मसीहा और पैगंबर की खोज है तो आप ईसाई हैं, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं। यदि आप ये जानते हैं कि विविध धाराएं एक साथ इस राष्ट्र यज्ञ में अपना अपना योगदान दे रही हैं, आप उसमें से एक धारा हैं, तभी तक आप राष्ट्रभक्त हैं। संघ आज तक राष्ट्रभक्त ही रहा है, वह राष्ट्रीयता का पोषण करता रहा है, लेकिन इधर संघ में जो नए लोग आ रहे हैं उनमें केशव माधव पंथ बनाकर चलने की कि हमारा पंथ सर्वश्रेष्ठ है, हम ही खड़े हैं, हम ही एकमात्र राष्ट्रभक्त हैं, ऐसी जो प्रवृत्ति आ रही है ये अराष्ट्रीय प्रवृत्ति है, ये संघ के लिए घातक है, ये राष्ट्र के लिए घातक है। तो संघ के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हुए, संघ के अब तक के इतिहास के प्रति अत्यंत गौरव का भाव रखते हुए, अपना नतशीर्ष रखते हुए, सिर झुकाते हुए, लेकिन विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास के एक अध्येता के नाते इस बात की ओर सावधान भी करना मेरा कर्तव्य है कि संघ कहीं केशव माधव पंथ बनकर ना रह जाए, संघ कहीं अपने आप को एकमात्र श्रेष्ठ पंथ, ये जो भाजपा के लोगों में चला देव दुर्लभ कार्यकर्ता, भैया ऐसा कोई देव दुर्लभ भाव नहीं, आप मनुष्य हैं जैसे अन्य मनुष्य हैं, आप में कुछ विशेष लोग हैं तो अन्य दलों में भी बहुत विशेष लोग हैं, पहले तो कांग्रेस में भी एक से एक दिग्गज श्रेष्ठ लोग थे। अरे और तो और भारत अकेला देश है जहां कम्युनिस्ट पार्टी में भी कुछ भले लोग थे, नम्बूद्रीपाद क्या थे, पहले नम्बूद्रीपाद की महासभा थी, ब्राह्मणों की महासभा, उसके महामंत्री होते थे और बड़े सज्जन थे। मैंने दिनमान के लिए नम्बूद्रीपाद का साक्षात्कार लिया है, कैसे सादगी थी, कैसी सात्विकता थी, वैचारिक रूप से भ्रमित थे, बहुत ही भ्रमित थे, लेकिन बड़ा पवित्र जीवन था। अभी जो नक्सल और दूसरे नामों से लफंगे और हत्यारे और बलात्कारी और ब्लैकमेलर और वसूली करने वाले अपराधी आ गए हैं, वो थोड़ी थे, कम्युनिस्टों में भी एक से एक अच्छे लोग थे शुरू में, हमको उनका भी मान करना चाहिए। समाजवादियों में डॉक्टर लोहिया जैसा महान पुरुष था, जयप्रकाश नारायण थे, उनका भी सम्मान करना चाहिए, अभी तक तो करते ही रहे हैं। और संघ में तो अभी तक कोई पतित और विकृत लोग सामने नहीं आए हैं, लेकिन भाजपा में तो एक से एक गलत लोग भी दिखे ही हैं, प्रमाण है, अभी उसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। तो अपने भाजपा में ही सबसे ज्यादा ये दोहराया जाता है, देव दुर्लभ कार्यकर्ता, तो आप अपने मुंह से दोहराते रहे उत्साह दिलाने को, लेकिन वस्तुतः ऐसे कोई देव दुर्लभ आप नहीं है, जैसे संपूर्ण देश है वैसे ही आप हैं। और संघ के लोग तो फिर भी विशिष्ट हैं, संघ का जो प्रचारक है, संघ का जो समर्पित कार्यकर्ता है, वो तो निश्चित ही विशिष्ट है, और वो ऐसी भाषा भी नहीं बोलता, देव दुर्लभ अपने को नहीं कहता। अब तब पता नहीं, अब तो बहुत साधन आ गए हैं, नहीं तो पहले जो मुख्य मुख्य लोग होते थे वही पहचानते थे कि प्रचारक कौन है, और वो भी ये भी जानते थे कि प्रचारक ही सबसे शक्तिशाली, नहीं तो सामान्यतः जो आयोजन सार्वजनिक होते थे उसमें पता चला जहां पीछे जूते उतारे गए हैं उसके पास पहली पंक्ति में प्रचारक बैठे हैं, लेकिन जो मुख्य जिम्मेदार अधिकारी हैं सबका ध्यान उसी ओर है कि प्रचारक, जिला प्रचारक अगर हैं तो जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, प्रांत प्रचारक क्या चाह रहे हैं, उनका संकेत क्या है, कुर्सी में जिन अधिकारियों को बैठाया है वो प्रांत संचालक हो सकते हैं, विभाग संचालक हो सकते हैं, लेकिन मुंह सब लोग ताकते थे प्रचारक का, क्योंकि वो समर्पित है, राष्ट्रभक्त है, और जो मुख्य लोग हैं उन्हें पता था कि असली सूत्र वहां है जो उधर जूते के पास पीछे बैठा है। तो ऐसी महान परंपरा रही है, उसी के बल पर संघ आगे बढ़ा है, लेकिन अपनी परंपरा नहीं है, वो सब हिंदू समाज की परंपरा है, हिंदू समाज के आशीर्वाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सत्ता में आए हैं। यह बोध अगर नहीं रहा और अपने को ही देव दुर्लभ कहने लगे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने लगे, और उस समाज का गुणगान नहीं किया जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, तो आप सचमुच एक धर्म से च्युत समूह बन जाएंगे, इतनी सावधानी आवश्यक है। अभी तक संघ में ऐसा कोई विकार कहीं दिखता नहीं है, हमारे जो परम पूज्य सरसंघ चालक है उनमें ऐसा कोई विकार नहीं है, जो सरकार्यवाह हैं, नए सरकार्यवाह बने हैं, आदरणीय दत्ता हासवाले जी,
वो तो अत्यंत विनम्र, अत्यंत सज्जन और साथ ही साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना से संपन्न व्यक्ति हैं। बहुत गहरे अध्येता हैं, साहित्य कार्य की क्षमता भी उनमें है, उनमें भी ऐसा कोई भ्रम नहीं है। माननीय सुरेश सोनी जी हों, चाहे जो अन्य अधिकारी हैं, मनमोहन वैद्य जी हों, जितने भी प्रमुख अधिकारी हैं, किसी में ऐसा कोई तमस, ऐसी कोई भ्रांति नहीं है। कृष्ण गोपाल जी हों, कोई भी, किसी को ये नहीं लगता कि हम ही सब कुछ हैं और देश हमारे चरणों में बिछा हुआ है और अब तो हम सत्ता में आ गए हैं, किसी के व्यवहार से नहीं लगता। अभी भी अत्यंत सात्विक जीवन जीते हैं, इतना सामान्य सा सबका आहार विहार है, तपस्वियों जैसा साधारण भोजन, चाहे जिसके साथ भोजन कर लेना, जो स्वयं सेवक है वो गरीब से गरीब जो है उसके प्रति सचमुच उनका वैसा ही भाव रहता है जैसे धनी से धनी व्यक्ति के साथ रहेगा। इतने सारे सद्गुणों, इतने महान शील और अपनी ज्ञान परंपरा के प्रति श्रद्धा के द्वारा संघ आगे बढ़ा है। हिंदू समाज ने भरपूर आशीर्वाद देकर उसे बढ़ाया है। हिंदू समाज महान समाज है जो एक साथ अनेक संगठनों को आशीर्वाद देता है। जो भी जिसमें भी कहीं गुण दिखता है, शील दिखता है, विभूति दिखती है, तेज दिखता है, चमक दिखता है, राष्ट्रभक्ति दिखती है, उन सबको हिंदू समाज से भरपूर सहयोग मिलता है। उसकी स्तुति करिए, उसकी निंदा मत करिए, और हिंदू समाज के सुधारक मत बनिए। कृपा करके हिंदू समाज का जो भी सुधारक बनना चाहता है वो अपराधी है। सबसे पहले फिर उसे सुधारा जाना चाहिए, उसका दिमाग खराब है। सुधार मत करो यार, आप में सुधारक की क्या योग्यता है? आप कोई हिंदू समाज से बाहर है? सुधरना है तो स्वयं को सुधारो, अपने को सुधारो, हिंदू समाज के सामने विनम्र रहो, उसकी उसके प्रति कृतज्ञ रहो। हिंदू समाज ने ऐसा आशीर्वाद दिया है, ऐसा भरपूर सहयोग दिया है। घर घर से युवक निकले हैं, देशभक्त युवक, और फिर युवतियां निकली हैं, देशभक्त युवतियां, उनके द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्र सेविका समिति और उसके बाद तमाम आनुषंगिक संगठन देश में पूरी समृद्धि से खड़े हुए हैं। अगर वे अपनी सहज भूमिका में रहेंगे तो राष्ट्रीयता के विकास में उनका बहुत ही अनोखा योगदान होगा। अगर उनमें यह अहंकार आ गया कि हमारे ही पास देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं तो उनका पतन सुनिश्चित है। दोनों संभावनाएं आजकल बराबर की दिख रही हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग संघ में प्रचारक बनते ही इस योजना के हैं, इस योजना से हैं कि 3-4 साल संघ का कार्य कर लो, किसी तरह से टाइम पास करो, संपर्क बनाओ और उसके बाद भाजपा में चले जाना और वहां चुनाव लड़ना और मंत्री बन जाना और वगैरह वगैरह। तो वो पहले वाली बात जो सन 2000 तक फिर भी थी, पिछले 20 वर्षों से संघ के जो नए प्रचारक आ रहे हैं उनमें आधे लोग इस तरह की महत्वाकांक्षा वाले, राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं, तो उनके द्वारा राष्ट्रीयता का कितना पोषण होगा मुझे नहीं पता। लेकिन सच ये है कि विगत 95-96 वर्षों से संघ ने सचमुच राष्ट्रीयता का पोषण किया है। इस राष्ट्र की विशालता को, वैविध्य को, इसके जीवन के हर क्षेत्र के महापुरुषों को, चाहे वो राजर्षि हों, ब्रह्मर्षि हों, ज्ञानवंत हों, कलावंत हों, गुणवंत हों, शिल्पवंत हों, समृद्धि वाले हों, बड़े व्यापारी हों, उद्यमी हों, दानवीर हों, वीरता के जितने भी प्रकार हैं, धर्मवीर, दानवीर, वागवीर, शूरवीर, युद्धवीर, सभी तरह के वीरों का स्मरण करते हैं, सभी तरह के श्रेष्ठ महापुरुषों का स्मरण करते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं और उनको भारतवर्ष में प्रतिष्ठित करते हैं। लेकिन शासन में आने के बाद इन वीरों को नहीं पढ़ाया गया है। और प्रकाश जावड़ेकर ने तो सगर्व कह दिया कि हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। अरे तुम परिवर्तन नहीं किए तो वहां गए क्यों हो? आपको क्या जरूरत है शासन में जाने की अगर आप परिवर्तन नहीं करना चाहते? सारा देश नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इसीलिए जय जयकार कर रहा है कि उन्होंने बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं, लेकिन शिक्षा में क्या चल रहा है? कम्युनिस्टों ने जो देशद्रोह फैलाया कांग्रेस के संरक्षण में, आप शाखा में आप प्रातः स्मरण करेंगे, शाखा में आप सारे महापुरुषों का स्मरण करेंगे और इतिहास में क्या पढ़ाएंगे? इतिहास में प्रातः स्मरणीय महापुरुषों के बारे में कहाँ पढ़ाया जाता है? वहां तो जो मामूली किस्म के लोग हैं, अरे मैंने तो एनसीईआरटी में देखा कि वो साधारण साधारण समाजवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का महिमा मंडन किया गया है, हमारे मित्र ही थे। लेकिन इतिहास में बच्चों को किशन पटनायक पढ़ाएंगे, आपुरकल को योगेंद्र यादव पढ़ाएंगे, और वो जो प्रशांत भूषण को पढ़ाने लगेंगे, फिर कल केजरीवाल को भी पढ़ाएंगे, तो आप देश का नाश कर देंगे। आप ये क्या कर रहे हैं? या अपनी पार्टी के ही इसी तरह के आदमियों को पढ़ाएंगे? या शिक्षा का नाम केवल अटल बिहारी वाजपेयी या दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर क्यों होना चाहिए? शंकराचार्य के नाम पर
दिग्नांग के नाम पर, धर्मकीर्त के नाम पर, नागार्जुन के नाम पर, बड़े बड़े तीर्थंकरों के नाम पर, बड़े बड़े महान आध्यात्मिक विभूतियों के नाम पर क्यों नहीं होना चाहिए? रामानुजाचार्य के नाम पर, मध्वाचार्य के नाम पर, इतनी महान परंपरा है, आप नित्य प्रातः स्मरण करते हैं, उनके नाम से विद्या केंद्र को क्यों नहीं खुलना चाहिए? विश्वविद्यालय आप दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी का ही नाम क्यों रखेंगे हर जगह? शंकराचार्य का क्यों नहीं? रामानुजाचार्य का क्यों नहीं? मध्वाचार्य का क्यों नहीं? हमारे इतने प्राचीन भगवान राम के नाम से तो चलो, अगर वहां फिर, लेकिन फिर वहां तदनुरूप पढ़ाई भी होनी चाहिए, पढ़ाई क्यों नहीं? हिंदू विश्वविद्यालय क्यों नहीं? और काशी हिंदू विश्वविद्यालय को महामना मालवीय जी ने जैसी मूल प्रेरणा की थी, वैसा फिर से क्यों नहीं बनाया जा रहा है? बटलर ने और नेहरू ने मिलकर जैसा उसका बंटा ढार किया, बटलर जो है शिक्षा सचिव था अंग्रेजों का, उस तभी से उसने भांजी मारनी शुरू कर दी थी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में जैसे अन्य यूनिवर्सिटी है वैसे ही बन गया है, वहां कोई भारतीय विद्या नहीं पढ़ाई जाती, अलग से वेदादि पढ़ाए जाते हैं, लेकिन राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, साहित्य, इसमें तो वही पढ़ाया जाता है कूड़ा जो बाकी जगह पढ़ाया जाता है, प्रगतिवाद, जनवाद या राष्ट्रवाद पढ़ा देंगे, ये तो भारतीय परंपरा नहीं है। भारत की महान साहित्यिक परंपरा, महान राजनीति शास्त्रीय परंपरा, महान अर्थशास्त्रीय परंपरा, महान धर्मशास्त्रीय परंपरा, इसकी पढ़ाई विश्वविद्यालय में नहीं होगी तो कहाँ होगी? तो शिक्षा विभाग जो है वो क्या कर रहा है? भाजपा के शिक्षा विभाग ने कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। प्रातः स्मरणीय महापुरुषों की शिक्षा से अनुपस्थिति है, नाम मात्र को दो चार के बारे में पढ़ाया जाता है, तो ये तो अनुचित है ना, ये तो दोहरापन है। शाखा में आप प्रातः स्मरण करेंगे और जो इतिहास की किताब पढ़ाएंगे उसमें मामूली लोगों के विषय में पढ़ाएंगे, कब तक पढ़ाएंगे? कब तक आप गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू का बोझ ढोएंगे? ये देश तो बहुत बड़ा है ना, इसमें तो अनंत महापुरुष हुए हैं, उनके सबके विषय में पढ़ाइए ताकि हमारी छाती, हमारी नई पीढ़ी की छाती गर्व से फूले। तो राष्ट्रीयता के पोषण में संघ की अब तक अत्यंत उल्लेखनीय, सराहनीय और उत्कृष्ट भूमिका रही है, लेकिन अभी संघ जिस मोड़ पर है उसमें बहुत अधिक सजग रहना होगा, अपनी परंपरा को बनाए रखना होगा, कम्युनिस्टों की सी परंपरा को नहीं अपनाना होगा। कुशिक्षा के कारण, कम्युनिस्ट ढांचे वाली गलत शिक्षा के कारण नई पीढ़ी में बहुत से लोग विचारों से हिंदुत्व का नाम लेते हुए भी कम्युनिस्ट बुद्धि के हो गए हैं। कम्युनिस्ट बुद्धि क्या है? हम स्वयं ऐसे ही रहेंगे, दूसरों को बदल डालेंगे, है ना, दूसरों को बदलने की और दूसरों को दूसरा मानने की, अपने से अलग, हम संघ के हैं, शेष हिंदू समाज है। संघ क्या करेगा? हिंदू समाज का उद्धार करेगा, यानी तुम हिंदू समाज नहीं हो। संघ तो संघ का उद्धार कर ले, संघ का स्वयंसेवक अपना उद्धार कर ले और संघ के सारे स्वयंसेवक मिलकर संघ और भाजपा का उद्धार कर ले, ये बहुत बड़ा काम है। हिंदू समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं और रहेंगी, आप उसमें से एक हैं, आप अपने को ठीक रखें, अपनी ज्ञान परंपरा के एक विनम्र सेवक रहें, अपनी वीरता और शौर्य की परंपरा के, राज्य शासन की परंपरा के एक विनम्र सेवक रहें, गौरवशाली सेवक रहें और आत्मगौरव के साथ हिंदू धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाएं, तभी राष्ट्रीयता का पोषण होगा। अभी तक भावना के स्तर पर, स्मरण के स्तर पर, स्मृति और संस्कार के स्तर पर संघ ने बहुत सेवा की है। ज्ञान के स्तर पर तो कोई विशेष सेवा नहीं की, ज्ञान के स्तर पर सेवा होती तो ये सब भ्रांतियां नहीं होती। अनेकता में एकता हिंदू की विशेषता का गायन नहीं होता, एक की अनेकता हिंदू की विशेषता, ये गायन होता। क्या क्या पढ़ाया जाता है ये नहीं होता, पता रहता कि हमें क्या पढ़ाना है। और भी बहुत सी बातें हैं, आचरण का जब मौका आया है तो आपने ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में तो आपके पास कोई बहुत बड़ी प्रतिभाएं नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अमुक आदमी संघ से जुड़ने के कारण बहुत बड़ा संगीतज्ञ है, लता मंगेशकर हो या कोई और हो तो वो जन्मजात गायिका है, बहुत से संगीतज्ञ हैं जो स्वाभाविक रूप से संघ के प्रति आदर का भाव रखते हैं, साहित्यकार भी रखते हैं, लेकिन संघ की ओर से कोई ऐसा बहुत बड़ा कलावंत, बहुत बड़ा गुणवंत, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा साहित्यकार, बहुत बड़ा सर्जक, अद्वितीय प्रतिभा वाला कोई निराला और जयशंकर प्रसाद जैसा कोई साहित्यकार, कोई भवभूति और कालिदास जैसा कोई साहित्यकार तो नहीं आया है। तो राजनीति शास्त्र में भी नरेंद्र मोदी अब तक के हुए नेताओं में बहुत अच्छे हैं, लेकिन भगवान राम के गुण जो बताए गए हैं कि राजपुरुष को कैसा होना चाहिए, तो उसकी कसौटी पर कसें तो साधारण ही दिखेंगे। तो इसलिए संघ को जिनका स्मरण नित्य करते हैं उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना होगा। समुत्कर्ष निश्चय यशस्य कमुद्रम परम साधनम नाम वीरव्रतम
तदंता है स्पुरत तक्षया धे निष्ठा हलंत प्रजागर तुति पुराणिशम विजेत्री चन संभता कार्य शक्तिर विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शुषाते भृशम। इसे भूलना नहीं है, परम वैभव की ओर ले जाने के लिए धर्म का रक्षण आवश्यक है। हिंदुओं और हिंदुओं के बीच का वैविध्य जो है वो सर्व प्रकार से रक्षणीय है। हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई के समक्ष एक इकाई बनाना पाप है। हिंदू हिंदू में एकता कैसे रहे, हिंदुओं के विविध संगठन जो राष्ट्रभक्त हैं उनमें परस्पर प्रेम और भाईचारा कैसे रहे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि कम्युनिस्ट पैटर्न वाली शिक्षा के कारण हमारे धर्माचार्यों में भी होड़ मची है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारे अलग अलग धर्मों के धर्माचार्यों के गुरुजनों के अनुयायियों में भी होड़ लगी है, राजनीतिक दलों में भी होड़ लगी है, और अब संघ के लोगों में भी अगर होड़ लग गई कि संघ ही सर्वश्रेष्ठ देशभक्त संस्थान है, संगठन है, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, तो ये तो कम्युनिस्ट पैटर्न होगा। हम आशा करते हैं कि संघ कम्युनिस्ट पैटर्न में नहीं जाएगा, जो उसका मूल स्वरूप है उसी को और अधिक परिष्कृत और उदात्त बनाएगा। अभी का उसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो तो पूरी तरह भारतीय प्रज्ञा और शील के अनुरूप है, लेकिन अब पुरुषार्थ की आवश्यकता है। भावना और संस्कार के स्तर पर उन्होंने राष्ट्रीयता का पोषण किया है, पुरुषार्थ के स्तर पर तो थोड़े से काम अभी मोदी जी ने उठाए हैं, आगे और बहुत से काम करने को हैं। हम आशा करते हैं कि वो काम भी अवश्य होंगे, क्योंकि उस अर्थ में तो ये कह सकते हैं कि पूत के पांव पालने में अच्छे दिख रहे हैं, ज्यादा तो अभी शक्ति आई नहीं है, तो आशा है कि आगे भी होनहार बिरवान के हो चिकने पात। तो चिकने पात तो बहुत हैं, मोदी जी और अमित शाह जो है उन्हें हम कह सकते हैं कि वो राजनीति के चिकने पात है, तो वो अच्छा बिरवा बनेगा राजनीति का, प्रचंड शौर्य और प्रज्ञा से प्रदीप्त राष्ट्र पुनः विश्व में समादृत होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। नमस्कार। जी गुरु जी, आपने जो बातें कही हैं कि जिस तरीके की आप आशा रख रहे हैं, और मुझे लगता है कि जितने लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे थे वो इस आशा को आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि केवल अपने तक ही काम को सीमित रख लेना ये बात नहीं होती है, बल्कि बात को आगे बढ़ाना इसके लिए बहुत जरूरी भी होता है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो सोच करके आपने जो कहा कि रेशम बाग में उन पांच लड़कों में वो पांच लड़के कैसे थे और किस तरीके से वो चीजें आगे बढ़ी हैं, उन पांच से एक तरीके से मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन पांडवों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन एक एक में जो शक्ति थी वही शक्ति आगे जा करके जब वातावरण में बिखरती है, समाज में बिखरती है, तो अपने जैसे कितने सारे लोग इकट्ठे करती है। और वही छोटी छोटी चीजें, क्योंकि हम पहले कहानी सुना करते थे कि एक चिड़िया अनेक चिड़िया, तो वो जो एक से अनेक बना और अनेक से अनेकों होते हुए आज कल विक्रम संवत 2078 जो शुरू हो रहा है, यहाँ तक भाव की जो शक्ति आई है अब वो विचार में और अधिक परिणित होकर के आगे दे, आगे दिखाई दे और संपूर्ण जगत में भारत का, भारत माँ का गुणगान हो, यही हम सब लोग कामना करते हैं। तो आज के कार्यक्रम में जो बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी है संघ के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में, वर्तमान परिस्थितियों के बारे में जो कुछ आपने कहा है वो सुनने और समझने और गुनने लायक था। संघ की पूरी प्रार्थना भी आपने जो सुनाई है, शायद उसमें जो धर्म के संरक्षण की बात है वो भी किसी न किसी तौर पे अगर कोई सुन रहा होगा तो उसको समझ में आएगा कि धर्म का संरक्षण कैसे किया जाता है और उसके लिए कितना चरित्र, कितने सिद्धांत और कितना तप लगता है। तो आज के कार्यक्रम में हम इतना ही कहेंगे और आप सभी दर्शकों को नव संवत्सर विक्रम संवत 2078 की जो कल सुबह से शुरू होने वाला है, मधुरता जीवन में रखिएगा और सुबह मीठे नीम की कड़वाहट के साथ में उसको शुरू कीजिएगा, क्योंकि वही कड़वाहट आपके जीवन में मधुरता लेकर के आएगी। तो जीवन में दोनों का महत्व है, सही का भी, गलत का भी, प्रश्न का भी, उत्तर का भी, धरती का भी, आकाश का भी, तो कड़वाहट का भी महत्व है तो मीठे का भी महत्व है, इसलिए इन सभी महत्वों को स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम में इतना ही, सभी दर्शक इसी तरीके से हमारा सहयोग और समर्थन करते रहे। एक बार फिर से गुरु जी आपको भी नव संवत्सर 2078 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। 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 नमस्कार।